नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग एक, उसमें चौथा अध्याय, तो जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे विदाई संभाषण का, तो जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन से संबंधित जो विदाई है तो उन पर एक व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की जो लालचारी है उसको जोड़ने का प्रयास किया है, तो उसी का हम अध्ययन कर रहे थे। पहले भाग एक के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं भारत से, तो जब लॉर्ड कर्जन भारत में आया था तो हर कोई दुखी था, परेशान था उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से। लेकिन जब वे जा रहे हैं तो भी जनता दुखी है और हर कोई उनकी अच्छाइयों को गिन रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है तो उसका वर्णन इसमें किया गया है लेखक के द्वारा, तो जो भाग एक के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि लेखक उनसे संबंधित, लॉर्ड कर्जन से संबंधित और क्या बता रहा है और क्या उनके लिए कह रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के लिए कहते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, विचार कीजिए आपकी शान कैसी थी इस देश के अंदर और अब कैसी हो गई है, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अब देखिए कितना ऊंचा पद था आपका, लॉर्ड थे यहाँ के, यानी कि एक प्रकार से स्वामी थे, भगवान थे, लेकिन अब आपकी जो स्थिति वो कैसी हो गई है, क्योंकि आपने कुछ कार्य ही ऐसे इस प्रकार से किए थे। अलिफ लाला के अलहदीन ने चिराग रगड़ कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। अब देखिए किस प्रकार से अलिफ लाला का उदाहरण इसमें दिया है कि अलिफ लाला के जो अलादीन है उसने चिराग रगड़ कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी, यानी कि आपने बहुत अधिक जो है ऐशो आराम पूर्ण जीवन जिया है, हर प्रकार की अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है और लगभग पूरी भी हुई हैं। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। अब देखिए किस प्रकार से इनकी जो कुर्सियाँ थीं वो सोने से बनी हुई थी और जो आपके भाई थे, छोटे भाई और उनकी पत्नी की जो कुर्सियाँ थीं वो चांदी की बनी हुई थी। आप दाहिने थे वह बाएँ, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, होदा चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। अब लेखक कहता है कि जब आप जुलूस में जा रहे थे तो सबसे पहले जो आपका ही हाथी आगे था और सबसे ऊंचा जो होदा है, होदा कहते हैं कि जो ऊपर हाथी के ऊपर आपने देखा होगा एक प्रकार की चारपाई टाइप में रहता है तो उसको होदा कहते हैं। चवर छत्र जो है सब कुछ बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। अब एडवर्ड के बाद में आप ही हैं तो आप ही का दर्जा था, किंतु आप देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ गिरे। आपने स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। अब देखिए जो एडवर्ड हैं तो उनके सामने आपको जो है नीचा देखना पड़ा और अपने जो पद त्याग की जो धमकी से भी आप ऊंचे नहीं हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आप तो काफ़ी धीर गंभीर थे और सारी जो धीरता है आपने खो दी। कब खो दी? जब आपने जो काउंसिल में बेकानूनी जो कानून था ना वह पास कर दिया और ज़्यादातर जो अंग्रेज़ थे उन्हीं को उस काउंसिल में सदस्य बनाया गया, तो इसके कारण से आपने उसका दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफे देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है, अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा। अब देखिए आपकी मानसिकता के कारण से आपको यहाँ से ऐसा होना पड़ रहा है, यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो केवल इतना ही नहीं है बल्कि वहाँ भी आपके देश में भी
आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम कहते हैं जो यहाँ के बादशाह थे या जो राजा थे वो भी आपकी ताल पर नाचते थे, आप जैसा कहते थे वैसा करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। अब डोरी हिलाने से मतलब कि आप थोड़ा सा कहने मात्र से ही यहाँ के जो राजा महाराजा वो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। अब लेखक कहता है कि किस प्रकार से आपने अपनी नीतियों के द्वारा कितने ही जो राजवंश कह सकते हैं जो राज्य थे उनको नष्ट कर दिया और यहाँ के जो राजा थे उनको मिट्टी के खिलौने की भांति तोड़ फोड़ दिया। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। अब आपने जिसके ऊपर कृपा दृष्टि डाली वह मिट्टी काट का यानी कि बिल्कुल ही निकृष्ट कह सकते हैं अगर था, जिसका कोई मूल्य ही नहीं था, तो उसे भी आपने बड़े बड़े जो पदाधिकारी बना दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल मतलब कि बिल्कुल ही निरस्त हो गई है, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आहा, इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। अब देखिए किस प्रकार से आपने हर प्रकार से बंगाल जो है वहाँ भी अपने जो पाँव पसारे थे और जो आपको माइलॉर्ड का जो दर्जा था वह भी फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न उसका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। आपने जो इस्तीफा दिया वह मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म दिया। अब देखिए जो एक फौजी अफसर था तो उसके ऊपर आपने गुस्सा किया, वो अगर किसी व्यक्ति को लगवाना चाहता था, नौकरी पर रखना चाहता था, तो आपने ही उसे निकल जाने का हुक्म दे दिया। तो किस प्रकार की विडंबना है, कैसा है, जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। अब देखिए किस प्रकार से आप जो है यहाँ के सर्वेसर्वा थे, लेकिन अब आप जो हैं यहाँ से जा रहे हैं, तो आपका इतनी ऊंचाई पर चढ़कर नीचे गिरना यहाँ के निवासियों को दुख रहा है और गिरकर पड़ा रहना, अब आप बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, तो यह और भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। अब देखिए आपका पद छूट गया है, लॉर्ड का जो पद है ना वो छूट गया है, लेकिन आपका पीछा नहीं छूटा है। आपने आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं ना वो अभी भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक अधना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए एक महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। अब देखिए एक छोटा सा क्लर्क है, अगर उसको नौकरी छोड़ने के लिए एक महीने का जो नोटिस मिल जाता है ना कि आप एक महीने के बाद में नौकरी छोड़ देंगे, तो वह एक महीने की जो अवधि है वो भी उसे घृणा से काटता है। वो आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अब देखिए आपको बार बार इस्तीफे के लिए कह रहे हैं, फिर भी आप अपने पद पर बने हुए हैं, तो बताइए कि आपको ये कितना अधिक अच्छा लगता होगा, ये आप ही जानते हैं। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। अब लेखक इसमें कह रहे हैं कि आप अपनी दशा से आपको अपने आपको कितनी अधिक घृणा आती है, इस बात को जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़े उन्होंने किसी को नहीं देखा, यानी ये पतन हो रहा है और अधिक उलझन में पड़ा हुआ, तो ऐसा किसी को नहीं देखा उन्होंने। माय लॉर्ड, एक बार आपने अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि आपने जो काम किए ना उनको आप ध्यान से देखिए कि आपने क्या क्या कार्य किए थे, आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। अब देखिए किस काम के लिए आप यहाँ आए थे, यहाँ पे सुचारू रूप से शासन व्यवस्था के लिए आप आए थे, लेकिन आप क्या करके जा रही हैं। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे कि शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह तो आप भी मानते होंगे। सो कृपया करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चलें। अब देखिए एक प्रकार से प्रश्न जो है लेखक पूछ रहा है लॉर्ड कर्जन से कि बताइए कि आपको जो कर्तव्य दिया गया था इस देश के प्रति, तो क्या आपने उस कर्तव्य का पालन किया है।
क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। अब लेखक एक प्रश्न और पूछते हैं कि क्या जो है आंखें बंद करके बिना सोचे विचारे मनमाने तरीके से हुक्म चलाना और किसी की कुछ नहीं सुनना, क्या यही शासन है क्या? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, कभी कान न देना मतलब ध्यान नहीं देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। अब आप ही बताइए कि जो जनता है उसकी आप बात को नहीं सुने और उसकी बात को दबाकर, उसकी आवाज़ को दबाकर अपनी मर्जी से, तो उनकी विरुद्ध जो है जिद के अनुसार आप काम करते चले जाएं तो क्या यह शासन कहलाता है क्या? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। अब लेखक कहते हैं कि आप एक काम तो बताइए कि आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैंसर और जार भी घेरने घोटने में से प्रजा की बात सुन लेते हैं। केसर और जार जो हैं वो भी घेरने घोटने से ना जो प्रजा की बात सुन लेते हैं। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए राजा के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आपने कोई भी उनकी बात को नहीं सुना है लेकिन फिर भी आपने किसी प्रकार से उनको, प्रजा को अपनी बात कहने के लिए, अनुरोध प्रकट करने के लिए, प्रार्थना के लिए अपने निकट तक नहीं फटकने दिया, पास तक आने नहीं दिया और उनकी बात सुनी हो। आप ही बताइए कि आपने अगर उनकी बात सुनी हो तो फिर नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। अब देखिए जब ये था नादिर शाह जो था तो उसने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहां के तलवार गले में डालने पर और जब प्रार्थना की तो उसने उसी समय कत्लेआम रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि 8 करोड़ जो प्रजा थी यहाँ की उसने गिड़गिड़ाकर विच्छेद कहते हैं टूटना, यानी कि तोड़ना, किसी देश को तोड़ना या किसी प्रकार की बात को छोड़ना, तो इस प्रकार को आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। अब बंग विच्छेद यानी कि बंगाल जो है उसको ना अलग करने हो तो इसके बिना आपको जो घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। अब नादिर शाह जो था ना, एक तानाशाह था, तो उसके सामने गिड़गिड़ाने पर उसने युद्ध रोक दिया था, कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन आप तो उससे बढ़कर जिद्दी हैं। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? अब प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक कि क्या आप जो जिद कर रहे हैं तो उससे के द्वारा, जो आपके द्वारा जिद की जा रही है उसके द्वारा क्या प्रजा का मन नहीं दुखता है? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर उस देश को छोड़ने जाती? अब देखिए लेखक कहता है कि अगर आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो आप अपना पद त्याग देते हैं। लेकिन ये जो जनता है, जो प्रजा है, तो वह अगर नाराज़ हो जाए तो क्या यह इस देश को छोड़ने जाती? तो इस प्रकार से हर प्रकार से व्यंग्यवान किए जा रहे हैं। तो हम ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का चित्र है जो कि भारत के वायसराय थे 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक इनका ये कार्यकाल रहा था। अब इसमें हमने जो देखा था, पढ़ा था जो, अब इसमें देखिए केसर दे रखा है, जार दे रखा है और नादिर शाह दे रखा है। तो इसका जो कुछ विस्तृत जो कह सकते हैं कि ये केसर क्या है, जार क्या है, नादिर शाह कौन थे, तो उनकी जो संक्षिप्त जानकारी है वो यहाँ दी गई है। तो चलिए थोड़ा आपको बता देते हैं कि केसर जो है रोमान तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। अब ये केसर है ना, जो रोमन तानाशाह जो जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है ये, और जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था, जो जर्मन शासक थे, जो तानाशाह थे ना, उनके लिए केसर का प्रयोग होता था, जो कि 962 से 1876 तक है। उसके बाद में जो जार है यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है। अब ये जूलियस सीजर जो है काफ़ी तानाशाह था तो उसके नाम से ये जार शब्द भी बना है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। अब देखिए जो केसर है वो रोमन तानाशाह के लिए प्रयोग हो रहा था,
यानी कि जो जर्मन शासक ना उनके लिए प्रयोग हो रहा था, ये रोमन शासक जो तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना हुआ है कैसर भी, और जो जार है वो भी रोमन तानाशाह जूलियस सीजर से बना हुआ है। और ये जो जार शब्द है वो रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरिया शासक के लिए प्रयोग हुआ था। अब ये 16वीं सदी से 1917 तक का है, और जो बुल्गारिया शासक जो था 1913 ईस्वी के लगभग, तो उनके लिए प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद में जो नादिर शाह है 1688 से 1747, अब 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रही। अब इनका जन्म है 1688 में और 1747 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये ईरान के शाह रहे थे, शाह मतलब शासक रहे थे 1736 से 1747 तक। तो अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। अब नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से इनको जाना जाता है, नादिर शाह को। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। अब जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था, और ये एक प्रकार से तानाशाह थे। अब ये जो केसर, जार और नादिर शाह, ये तीनों ही जो हैं वो एक तानाशाह हैं, तो उसी प्रकार से आप भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो ऐसा लेखक बताने का प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिद, जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आपने यहाँ की जो जनता है उसको पीड़ित किया था, प्रताड़ित किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ की जनता ने भी आपको जो है हर प्रकार से पीड़ा पहुँचाई है, तो आपको उसकी पीड़ा का शिकार होना पड़ा है, ये आप स्वयं जानते हैं। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, इसी से वे सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती हैं। अब देखिए यहाँ की जो जनता है ना कितनी अधिक धैर्यशील है, वो जानती है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, हर एक चीज़ का अंत आता है, चाहे दुख है चाहे सुख है। अब दुख भी वो यहाँ की जनता मानती है, भारत की जो जनता है वो मानती है कि एक दिन निकल जाएगा, और सब दुखों को झेलकर पराधीनता जो सहकर भी वह जी रही है, तो वह पराधीनता भी दूर हो जाएगी। माय लॉर्ड, इस कर्तज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। कर्तज्ञता की उपकार मानने वाले जो है यहाँ की जो भूमि है उसकी महिमा को आपने कुछ नहीं समझा, और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। अब देखिए आप जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब प्रजा है, दीन प्रजा है, तो उसकी जो श्रद्धा भक्ति है वो भी आप अपने साथ नहीं ले जा सके हैं, यानी कि आपको कोई भी याद करने वाला नहीं है कि आपने अच्छे कार्य किए हैं। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपको आपकी आँखों को ताव नहीं, अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुँह से निकल जाया करता है। लेखक कहता है कि यहाँ के जो शिक्षित हैं, जो देश के शिक्षित लोग हैं, उनको तो आप आपकी आंखों को ताव नहीं, ताव मतलब कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है उनको देखने से, लेकिन अब शिक्षित जो वर्ग है उसका ये किसी प्रकार से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते हैं कि आपका सामर्थ्य नहीं है आपकी आंखों को, आपकी आंखें उसको उनको देख सकें, तो इसी कारण से आप जो अनपढ़ गूंगी जो प्रजा है ना उसका ही नाम कभी कभार मुँह से निकाल लेते हैं। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। अब लेखक कहते हैं कि यह जो अनपढ़ जो प्रजा है उसी के अंदर एक नर सुल्तान नाम का जो राजकुमार था उसका गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नर वरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। अब देखिए जो ये सुल्तान था, नर सुल्तान जो राजकुमार था, तो विपद कहते हैं कि बुरे समय में, विपत्ति के समय में, तो कई साल तक जो सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम का एक स्थान है वहाँ पे कुछ समय काटा था, वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। अब देखिए एक राजकुमार था, वह चौकीदारी से उसने काम प्रारंभ किया और एक ऊंचे पद पर काम तक भी काम किया था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। अब लेखक कहता है कि जो नर सुल्तान था, जो राजकुमार था, वो नरवरगढ़ में रहा और जब यहाँ से वो जाने लगा घोड़े पर सवार होकर, तो उसने किस प्रकार से नगर के द्वार के बाहर आकर
उस नगर को किस रीति से अभिवादन किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अब देखिए किस प्रकार से भावुकतापूर्ण जो बात है इसमें लेखक कहता है कि जो नर सुल्तान है वो नरवरगढ़ में आता है, आश्रय लेता है, लेकिन जब वो यहाँ से जाता है तो हर प्रकार से वो अनुनय विनय करता है कि मैंने आपकी सेवा में किसी प्रकार की अगर चूक की है तो उस पर ध्यान न दें, अगर मैंने किसी प्रकार से भी अगर यहाँ के जो प्रजा है उसको किसी प्रकार से सताया है, उनकी चिंता नहीं की है, शुभ चिंता नहीं की है, यहाँ की स्त्री को माता नहीं माना, बहन नहीं माना हो, तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार न करें, लेकिन अगर मैंने सब कुछ किया है तो आप मेरे से प्रसन्न होकर मेरा प्रणाम अवश्य लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माई लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके यश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? संभाषण मतलब बातचीत करेंगे क्या आप? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। अब देखिए लेखक का आकांक्षा कर रहा है कि जिस प्रकार से नर सुल्तान ने नरवरगढ़ से अनुनय विनय किया, क्या जो लॉर्ड कर्जन है अब उनको कहते हैं कि क्या आप भी क्या ऐसा करेंगे क्या? अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ जो भारत देश है उससे क्या आप संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो मेरे लिए जो तेरे लिए कुछ कर सकूँ, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करें। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आप जाते हुए तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप जो हैं पुनः उठें और प्राचीन गौरव और जो यश है उसके लाभ को प्राप्त करें, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। अब लेखक कहते हैं कि आप भी संभाषण कीजिए कि हे अभागे भारत, मैंने तो तुझे कुछ नहीं दिया, हर प्रकार से तेरी स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया है और तू इस संसार का सबसे पुराना देश है, और मैंने कभी भी जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी मैंने कभी भी तेरी भलाई का काम नहीं किया, और अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कर भी कह सकता हूँ, पर आशीर्वचन यानी कि आशीर्वाद स्वरूप कह सकता हूँ, यानी कि मंगल कामना कर सकता हूँ कि आप जो है तू जो है फिर पुनः उठें और प्राचीन गौरव और यश को के लाभ को पुनः प्राप्त कर लें, और मेरे बाद में आने वाले जो हैं जो भी लॉर्ड यहाँ पर आने वाला है, जो वायसराय आने वाला है, तो वे तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। अब देखिए अंतिम पंक्तियों के माध्यम से भी कहता है कि व्यंग्यवान जो छोड़े जा रहे हैं लेखक के द्वारा, वो कहता है कि आप में ऐसी उदारता कहाँ है जो आप ऐसी बातें कह सकें, लेकिन अगर आप अंतिम समय भी जाते समय भी अगर आप ऐसी बातें कहते हैं तो आपके द्वारा जो किए गए निकृष्ट कार्य हैं, हर प्रकार से जो पीड़ा पहुंचाने वाले जो कार्य हैं उनको यह देश भुला सकता है, लेकिन आप में ऐसी उदारता नहीं है। तो अंतिम पंक्ति के माध्यम से भी लेखक जो है उनको उलाहना ही दे रहा है कि आप इतनी उदारता नहीं है कि आप जो है देश के प्रति अपने जो उद्गार हैं जो आशीर्वचन है वो कह सकें। तो ये था हमारा चौथा अध्याय, विदाई संभाषण जो लॉर्ड कर्जन के संबंध में बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। तो आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।